तो दोस्तों, गोरखपुर महानगर में जल्द ही मेट्रो का काम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के चलते इसके काम में रफ्तार आने वाली है, क्योंकि दिवाली से पहले जर्मन बैंक के अधिकारी ने इसके प्रस्तावित रूट को देखकर परियोजना पर चर्चा की थी, जिससे गोरखपुर में मेट्रो का सपना देख रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो वीडियो में हम गोरखपुर मेट्रो के बारे में जानेंगे, इसका रूट क्या है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक दें, और अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बता दें, गोरखपुर मेट्रो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक अपकमिंग मेट्रो है, जिसके मुताबिक गोरखपुर में लाइट मेट्रो चलाई जानी है। इस लाइट मेट्रो के संचालन के लिए गोरखपुर में दो कॉरिडोर सिलेक्ट किए गए हैं। इसकी DPR के मुताबिक पहला कॉरिडोर श्याम नगर से सूबा बाजार तक 16.95 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 16 स्टेशन श्याम नगर, बरगदवा, शास्त्री नगर, नथमलपुर, गोरखनाथ मंदिर, हजारीपुर, धर्मशाला, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, विद विद्यालय, मोहद्दीपुर, रामगढ़ ताल, एम्स, मालवीय नगर, MMMTU, दिव्य नगर और सूबा बाजार स्टेशन बनाए जाने हैं। वहीं बात करें दूसरे कॉरिडोर की, तो ये गुलरिहा से कचेरी चौराहे तक 10.46 किलोमीटर लंबा रूट होगा। इसमें गुलरिहा, मुगलहा, खजांची बाजार, बशारतपुर, अशोक नगर, BRD मेडिकल कॉलेज, विष्णु नगर, असुरन चौक, धर्मशाला, गोलघर और कचेरी चौराहा मिलाकर कुल 11 स्टेशन प्रपोज्ड हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 4672 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। फिलहाल केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड यानी कि PIB से हरी झंडी मिल चुकी है, और अब कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। इस परियोजना पर 55% धनराशि बाहरी सहायता से खर्च की जानी है। इसके लिए यहां पर जर्मन बैंक की ओर से निवेश किया जा रहा है, और करीब 20% खर्च केंद्र सरकार द्वारा बोगी, रेल और दूसरे रोलिंग स्टॉक के रूप में दिया जाएगा। वहीं 25% खर्च राज्य सरकार अपने पास से करेगी। गोरखपुर में लाइट मेट्रो शुरू होने से यहां के व्यापारी, स्टूडेंट्स और आसपास के जिलों के रहने वाले लोगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है, और एक उम्मीद हमें आपसे भी है। वीडियो को इतना शेयर करें कि गोरखपुर में रहने वाले सभी लोगों तक पहुंच सके। पर दोस्तों, ये जान लें, गोरखपुर में जो लाइट मेट्रो चलाई जानी है उसके ट्रैक के किनारे फेंसिंग लगाने का प्लान है। फुटपाथ को बंद कर इसे लाइट मेट्रो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर रोड पर मुमकिन नहीं होगा वहां ओवरहेड बनाया जाएगा। वहीं ट्रेन के लंबाई के एक तिहाई हिस्से में ही प्लेटफॉर्म पर शेड लगेगा। साथ ही इक्विपमेंट रूम प्लेटफॉर्म के नीचे अंडरग्राउंड तैयार किया जाएगा। हालांकि इसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट, सामान की जांच के लिए एक्सरे स्कैनर, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर की सुविधा लाइट मेट्रो में नहीं मिलेगी। लाइट मेट्रो का कॉरिडोर सड़क के समानांतर जमीन पर ही होता है। इसका स्टेशन बस स्टैंड की तरह तैयार किया जाता है। इसमें 3 से 4 कोच होते हैं। 3 कोच वाली इस मेट्रो में 300 लोग सफर कर सकते हैं। इस लाइट मेट्रो की टॉप स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोरखपुर लाइट मेट्रो की। अगर आप भारत में चल रहे दूसरे किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, वरना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।